क्लास 9 का एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग के पास, और इसमें रिप्रेजेंट 4.7 मतलब नंबर लाइन पे हमें 4.7 को दिखाना है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, क्योंकि पॉइंट वाला नंबर है रूट में, तो इसको थोड़ा सा इसमें प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे 4.7 कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, शुरू से यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम खींच देते हैं यहाँ तक, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ भी एक पॉइंट लगा देते हैं, ये 4.7 है। इससे हम एक यूनिट ज़्यादा लेंगे, तो ज़्यादा लेंगे इसको, एक यूनिट जो है ये यहाँ है, यहाँ पे हो रहा है, तो एक पॉइंट लगा देते हैं और इसको यहाँ से मिला के इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इसको और आगे कर देते हैं, क्योंकि हमारा आंसर जो है इसमें आगे आएगा, ठीक है। तो पॉइंट जो है हमें यहाँ पे है, फिर यहाँ एक पॉइंट है और एक पॉइंट शुरू में है, तो यहाँ पे हम इसको देते हैं ए, इसको बी, और ये हो गया सी। तो ए बी जो है वो ए बी इक्वल टू 4.7 यूनिट्स हो गया, और बी सी 1 यूनिट है, बी सी 1 यूनिट, ठीक है। अब हम बी सी को मिड पॉइंट इसका निकालेंगे, तो यहाँ पॉइंट सी पर रखेंगे और इसको एक आर्क लेंगे इधर और फिर इधर, उसके बाद हम ए पे रखेंगे पॉइंट को और इसको हम काट लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो हमें मिड पॉइंट इसका मिल गया। हम इसको इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मिलाएंगे तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा, ये हो गया इसका मिड पॉइंट। यहाँ पे हम इसको हम ओ मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ओ। अब क्या करना है, हमें ओ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है, ओ से, तो ओ ए और ओ सी ये रेडियस हो गया सेमी सर्कल का जो हमें ड्रॉ करना है। ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू रेडियस, ये रेडियस हो गया, ठीक है। अब हमें ड्रॉ करना है, तो हम ड्रॉ कर देते हैं इसको इस तरह से, यहाँ से सी तक इसको ड्रॉ करेंगे, ये हो गया। अब बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन लेना है, तो हम इसको सेट करेंगे प्रोटेक्टर को बी पॉइंट पर, और 90 डिग्री पर हम इसको एक पॉइंट लगा देंगे। यहाँ से हम एक लाइन ले लेंगे और वो लाइन जो है वो पॉइंट से बिल्कुल सीधा लेना है, लेकिन हमें ये आर्क लाइन जो है उस पर वहाँ तक ही लेना है, इसको हम यहाँ तक लेंगे, ये हमें मिल गया। तो ए बी सी डी, ये डी पॉइंट है, तो बी डी ये जो है यही है रूट 4.7, तो ये जो है हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम अपने प्रोट्रैक्टर कंपास को उस लेंथ पे लाके वहाँ से एक आर्क खींच लेंगे और यहाँ यहाँ पे मैच करेंगे नंबर लाइन पे, और इसका नाम दे देंगे डी के बाद ई नाम दे देते हैं ई, तो बी ई बी ई ये नंबर लाइन पे रूट 4.7 है, जो कि हमें दिखाना था, ये है 4.7 यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 4.7 रूट 4.7। तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।